तेजस्वी ने मोदी को दे दिया कौन सा गुरु मंत्र? क्यों तेजस्वी हो गए मोदी की बात सुनकर बेचैन? आखिर क्यों तेजस्वी बहा रहे हैं धूप में पसीना? लालू का लाल अचानक क्यों चला मोदी की चाल? धुर विरोधी मोदी की सलाह पर तेजस्वी क्यों कर रहे हैं अमल? तेजस्वी के कान में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि तेजस्वी को चुभ गई, दिल को लग गई और तेजस्वी मोदी के मस्खरे को दिल में लेकर बैठ गए और लग गए मोदी के दिए गुरुमंत्र पर काम करने? तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है। शायद ऐसा कोई मौका होगा जब तेजस्वी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने से बाज आते हों, उनको निशाने पर ना लेते हों, लेकिन फिर अचानक कैसे बदल गए, कैसे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और उसके बाद तो तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। धुर विरोधी मोदी ने कान में तेजस्वी को गुरुमंत्र क्या दिया, उसे अमल करने में जुट गए। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे ना, एक दूसरे के धुर विरोधी लालू के लाल तेजस्वी यादव और पीएम नरेंद्र मोदी को अपना गुरु कैसे बना सकते हैं? लेकिन ये सच है कि तेजस्वी ने मोदी को अपना गुरु मान लिया है, गुरु मंत्र भी ले लिया है और इसे अपनी जिंदगी में उतार भी रहे हैं। अब बहुत कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बताते हैं कि दरअसल मसला क्या है। ये मामला सियासी नहीं बल्कि निजी है। दरअसल पिछले दिनों बिहार के विधान भवन के शताब्दी वर्ष के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पटना गए थे। मोदी के मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। औपचारिक बातचीत हुई तो मोदी ने तेजस्वी को सलाह दी कि अपना वजन कम करो, क्योंकि राजनीति में जो फिट है वही हिट है। इस पर तेजस्वी यादव उस समय बस मुस्कुरा कर रह गए, लेकिन उसके बाद मोदी का ये गुरु मंत्र तेजस्वी यादव के मन में बैठ गया और तेजस्वी मोदी की सलाह मानकर अब अपनी फिटनेस मेंटेन करने में लग गए। उनकी सलाह मानते हुए वे खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर यकीन न हो तो जरा इस तस्वीर को देखिए, अपने सरकारी बंगले के अंदर ही कुर्सी को विकेट बनाकर क्रिकेट खेलते हुए तेजस्वी यादव अपने पुराने रूप में दिखाई दे रहे हैं, जब वह फील्ड पर चौके छक्के लगाया करते थे, लेकिन अब सियासी व्यस्तता की वजह से वह अपने सरकारी बंगले में ही क्रिकेट खेलकर फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तेजस्वी का बाहुबली रूप तो आपने देखा ही नहीं, ये देखिए, ये है तेजस्वी यादव की बाहुबली तस्वीर, जिसमें तेजस्वी एक सफेद रंग की पुरानी जीप को खींचते और धकेलते नजर आ रहे हैं। कहते हैं लालू प्रसाद यादव की यह पहली जीप हुआ करती थी। अपने पिता की पसंदीदा पुरानी जीप को अकेले बाहुबली बनकर धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आरएलडी के सोर्स बताते हैं कि इस वक्त तेजस्वी यादव जमकर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं और खेल कूद कर अपनी फिटनेस मेंटेन करने में जुटे हैं। कभी मैदान में अपना हुनर दिखाने वाले तेजस्वी अब राजनीति के मैदान में चौके छक्के मारने के प्रयास में हैं, लेकिन बार बार कैच आउट होने से परेशान भी हैं। सोशल मीडिया में जब से तेजस्वी यादव की तस्वीरें सामने आईं, तब से वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उनके समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं तो विरोधी इसे मोदी इम्पैक्ट बता रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि जब दो बड़े नेता मिले तो कुछ भी निजी नहीं होता, राजनीतिक खिचड़ी कहीं भी पक सकती है। इससे सरकार बने या ना बने, नीतीश कुमार जरूर चौकन्ने होंगे। इन कयासों को तब और बल मिला जब बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने ये आरोप लगा दिए कि तेजस्वी बीजेपी को हर हाल में सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, उसके बदले अपने परिवार के घोटालों और भ्रष्टाचार के मुकदमे में हमारी मदद चाहते थे, जिसे हमने मना कर दिया। अब तेजस्वी जी से पूछिए कि हवाई जहाज में क्या बातें हुई थी, सर क्या बात, वो जवाब बेहतर देंगे, आप उनसे पूछिए। वो उनसे पूछिए कि क्यों वो चाहते हैं कि वो जितने घोटाले में फंसे हुए हैं उनके परिवार को बचाया जाए, यह सब चीजें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के लिए वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सपोर्ट कीजिए हमें, आप हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। क्या प्रतिक्रिया थी सर? मैं मुझसे नहीं कहा था भाई। अब कौन सच्चा और कौन झूठा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन रोजाना योगा करके खुद फिट रहने वाले मोदी ने तेजस्वी को फिट रहने का मंत्र तो दे ही दिया है। अब वो अपने शरीर को फिट रखने के साथ मोदी की तरह अपनी पार्टी को कैसे और कितना फिट रख पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।